बायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन कंटिन्यू हेपेटाइटिस डी वायरस, यानी हेपेटाइटिस के अंदर डी वायरस के ऊपर है, जो कि कैसा है, आरएनए वायरस है। देखिए हेपेटाइटिस डी वायरस क्या है, हेपेटाइटिस डी वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन 1977 बाय रिजेटो एंड कोल्जस इन द लीवर न्यूक्लियस एज ए न्यू वायरल पार्टिकल ऑफ द पेशेंट इन्फेक्टेड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस एंड नेम्ड एज हिपेटोट्रोपिक वायरस डेल्टा और हेपेटाइटिस डी वायरस। यानी हेपेटाइटिस डी वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन 1977, यानी हेपेटाइटिस डी वायरस जो है उसका आइडेंटिफिकेशन कब हुआ, उसकी पहचान कब हुई, तो 1970 में। किसके द्वारा की गई ये पहचान? बाय रिजेटो एंड कोल्जस इन द लीवर सेल न्यूक्लियस, यानी रिजेटो और कोल्जस नाम के साइंटिस्ट ने इसका आइडेंटिफिकेशन किया। और किसके अंदर आइडेंटिफिकेशन किया इसका? लीवर की न्यूक्लियस सेल के अंदर, लीवर की सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एज ए न्यू वायरल पार्टिकल। और किसके रूप में किया? एक नए वायरल पार्टिकल के रूप में ऑफ द पेशेंट इन्फेक्टेड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी ऐसे पेशेंट के अंदर आइडेंटिफिकेशन किया जो पहले से किसके साथ इन्फेक्टेड था? हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ इन्फेक्टेड था एंड नेम्ड एज हिपेटोट्रोपिक वायरस। और इसका नाम क्या दिया गया? हिपेटोट्रोपिक वायरस दिया गया, और डेल्टा और हेपेटाइटिस डी वायरस। और क्या नाम दिए गए इसको? डेल्टा वायरस नाम दिया गया, हेपेटाइटिस डी वायरस नाम दिया गया, यानी एचडीवी। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस डी वायरस इज ए डिफेक्टिव वायरस एज इट डिपेंड्स ऑन द हेल्पर फंक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस फॉर इट्स रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन। यानी हेपेटाइटिस डी वायरस जो है इज ए डिफेक्टिव वायरस, एक कैसा डिफेक्टिव वायरस है एज इट डिपेंड ऑन द हेल्पर फंक्शन, और जो क्या है एक हेल्पर फंक्शन पे डिपेंड करता है। ये नहीं है कि ये सारे फंक्शन खुद ही करता है, जबकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि किसी की हेल्प के ऊपर डिपेंड करता है। और वो कौन सा फंक्शन है, किसकी हेल्प के ऊपर डिपेंड करता है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस की हेल्प के ऊपर डिपेंड करता है। किसके लिए? फॉर इट्स रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन, यानी खुद के रेप्लिकेशन के लिए और खुद के साइन एंड सिम्टम को शो करने के लिए वो हेपेटाइटिस बी वायरस की हेल्प के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए, हेपेटाइटिस डी वायरस कॉज़ टाइप डी हेपेटाइटिस एंड हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैन सर्वाइव एंड रेप्लिकेट एज सो लॉन्ग एज हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन परसिस्ट इन द होस्ट। यानी हेपेटाइटिस डी वायरस कॉज़ टाइप डी हेपेटाइटिस, यानी हेपेटाइटिस डी जो वायरस है वो किस प्रकार की हेपेटाइटिस कॉज करता है? तो डी टाइप की। हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, यानी अकेला क्या है कोई भी डिजीज कॉज नहीं कर सकता एंड कैन सर्वाइव, और सर्वाइव भी नहीं कर सकता एंड रेप्लिकेट एज लॉन्ग एज हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी ये सर्वाइवेंस और इसका जो रेप्लिकेशन है वो किसके साथ में होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन के साथ में होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन क्या है? लंबे समय तक चले इन होस्ट के अंदर। तो एक बार शुरू से देखिए कि हेपेटाइटिस डी वायरस कब आइडेंटिफाई किया गया था? 1977 में, और रिजेटो एंड कोल्जस नाम के साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था लीवर सेल के न्यूक्लियस में एज ए न्यू वायरल पार्टिकल। ये कैसा था? एक नया वायरल पार्टिकल था जो क्या है पेशेंट को इन्फेक्ट कर रहा था, किसके साथ में? हेपेटाइटिस बी वायरस के। और इसका नाम क्या दिया गया? हिपेटोट्रोपिक। हिपेटोट्रोपिक नाम इसलिए दिया गया कि हिपेटोसेल्स जो है वो किससे रिलेटेड है? लीवर से। और डेल्टा वायरस और हेपेटाइटिस डी वायरस, तीन नाम दिए गए इसको। हेपेटाइटिस डी वायरस इज ए डिफेक्टिव वायरस एज इट डिपेंड्स ऑन द हेल्पर फंक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी हेपेटाइटिस डी वायरस किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिफेक्टिव वायरस है और ये किसके हेल्पर फंक्शन पर डिपेंड करता है? हेपेटाइटिस बी वायरस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी खुद अकेला कोई भी इन्फेक्शन कोज नहीं कर सकता। फॉर इट्स रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन, यानी खुद के रेप्लिकेशन के लिए और खुद के साइन एंड सिम्टम यानी एक्सप्रेशन को शो करने के लिए इसको किसकी हेल्प की? हेपेटाइटिस बी वायरस की हेल्प की।
यानी हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन तभी पॉसिबल है जब किसी पर्सन में हेपेटाइटिस बी वायरस का क्या है, पहले से इन्फेक्शन हो, और वो भी लंबे समय से। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी वायरस टाइप बी हेपेटाइटिस एंड हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रकार की डिजीज कोज करता है, तो बी हेपेटाइटिस, और इसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी खुद देमसेल्फ ये क्या है, कोई भी चीज नहीं कर सकता, एंड कैन सर्वाइव एंड रेप्लिकेट एज लॉन्ग एज हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। और ये किसके साथ में काम करता है, किसके साथ में सर्वाइव करता है, इन्फेक्शन करता है, रेप्लिकेशन करता है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ में, जबकि हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन क्या है, लंबे समय तक रही है होस्ट में। नेक्स्ट देखिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस डी, यानी हेपेटाइटिस डी वायरस की मॉर्फोलॉजी कैसी है, तो हेपेटाइटिस डी वायरस बिलोंग टू द डेल्टा वायरस जीन्स, यानी हेपेटाइटिस डी वायरस कौन सी फैमिली से, कौन से जीन से बिलोंग करता है, तो डेल्टा वायरस से। हेपेटाइटिस डी वायरस इज ए स्फेरिकल पार्टिकल सराउंडेड बाय ए एचबीएस एजी एनवेलप, यानी हेपेटाइटिस डी वायरस है वो कैसा स्फेरिकल पार्टिकल है, यानी राउंड पार्टिकल है, और सराउंडेड बाय किससे गिरा रहता है, कौन से एनवेलप से, एच बी एस ए जी के एनवेलप से गिरा रहता है, जो किसका एंटीजन है, एक तरीके से हेपेटाइटिस बी वायरस का एंटीजन है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी वायरस का साइज कितना होता है, साइज है इसका 36 to 38 नैनोमीटर इन डायमीटर, यानी 36 से 38 नैनोमीटर क्या है, डायमीटर के अंदर। और जेनेटिक मटेरियल कैसा मिलता है इसके अंदर, तो सर्क्यूलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड कोड इट्स ओवन न्यूक्लियो प्रोटीन द डेल्टा एंटीजन और एच डी ए जी, यानी जेनेटिक मटेरियल कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है सर्कुलर, और इसके साथ एनकोड यानी क्या जुड़ा रहता है, न्यूक्लियो प्रोटीन और डेल्टा एंटीजन। डेल्टा एंटीजन का नाम क्या है, एच डी ए जी। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी वायरस इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी हेपेटाइटिस डी वायरस के प्रोडक्शन के लिए क्या नेसेसरी है, हेपेटाइटिस बी वायरस का होना जरूरी है, नेसेसरी है, वो कंपलसरी है। तो एक बार शुरू से देखिए कि हेपेटाइटिस डी वायरस किससे बिलोंग करता है, तो डेल्टा वायरस से बिलोंग करता है, डेल्टा जीन से बिलोंग करता है। हेपेटाइटिस बी इज ए स्फेरिकल पार्टिकल, यानी कैसा पार्टिकल है, स्फेरिकल यानी राउंडेड पार्टिकल है, सराउंडेड बाई एच बी एस ए जी एनवेलप, और किससे घिरा रहता है ये, तो एच बी एस ए जी एनवेलप से घिरा रहता है। नेक्स्ट, साइज देखिए, इसका साइज क्या है, 36 to 38 एनएमिन डायमीटर, ये डायमीटर की कितना है, कितना है इसका डायमीटर, 36 से 38 नैनोमीटर है डायमीटर के अंदर। जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो सर्क्यूलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्या है इसका, जेनेटिक मटेरियल है। एनकोड्स इट्स आवर न्यूक्लियो प्रोटीन, और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन कोडेड रहती हैं, और क्या है, डेल्टा एंटीजन और एच डी, यानी क्या है कि और क्या कोडेड रहता है सर्कुलर आरएनए के साथ, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ, तो डेल्टा एंटीजन जुड़े रहते हैं। पर हेपेटाइटिस बी वायरस क्या है, नेसेसरी है, कंपलसरी है हेपेटाइटिस बी वायरस के प्रोडक्शन के लिए, यानी क्या है, जब क्या है किसी पर्सन के अंदर वो पहले से किसके साथ इन्फेक्टेड हो, हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ इन्फेक्टेड हो, तभी क्या है उसमें हेपेटाइटिस डी वायरस का इन्फेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इसका जो एनवेलप है वो किसके जैसा है, हेपेटाइटिस बी वायरस के जैसा है।
देखिए, द ट्रांसमिट ट्रांसमिशन रूट ऑफ हेपेटाइटिस डी वायरस इज द सेम एज फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस, पेरेंटेरल बाय ब्लड, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, सीमन, वेजाइनल सिक्रेशन, यूरिन, बाइल एंड फीसेस या सेक्सुअल एंड कंजेनाइटल। तो यानी द ट्रांसमिशन रूट ऑफ हेपेटाइटिस डी वायरस इज द सेम एज फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी जो ट्रांसमिशन रूट है हेपेटाइटिस डी वायरस का वो किसके जैसा है, किसके सेम है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस के बिल्कुल सेम है। यानी पेरेंटरली भी स्प्रेड होता है वो, यानी किसी पर्सन में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाए, सलाइवा का ट्रांसफ्यूजन हो जाए, या फिर ब्रेस्ट मिल्क हो, या फिर सीमन का ट्रांसफ्यूजन हो जाए, या वेजाइनल सिक्रेशन के द्वारा, या यूरिन के द्वारा, या बाइल एंड फीसेस के द्वारा भी ये ट्रांसफ्यूज हो सकता है एक दूसरे में, और सेक्सुअल और कंजेक्टिवाइटली, यानी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी ट्रांसफ्यूज हो सकता है, और कंजेनाइटल यानी क्या है, मदर से किसके अंदर आ सकता है, फीटस के अंदर। नेक्स्ट देखिए, क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसके। द इंक्यूबेशन पीरियड इज लॉन्ग, अबाउट 1 to 6 months, यानी इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है डिजीज कोज करने के लिए इसका, 1 से 6 महीने। हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन कैन अकर इन प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी हेपेटाइटिस डी वायरस का इन्फेक्शन कब हो सकता है, हेपेटाइटिस बी वायरस की प्रेजेंस में, यानी पहले से इन्फेक्टेड कैसा होना चाहिए पर्सन, हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ इन्फेक्टेड होना चाहिए, और कैसा, अंडर टू सिचुएशन, यानी दो सिचुएशन के अंदर, एक तो क्या है सिम्यूल्टेनियसली, यानी साथ साथ दोनों एक साथ सिम्यूल्टेनियसली इन्फेक्शन विद बोथ हेपेटाइटिस डी वायरस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी को इन्फेक्शन, यानी क्या है साथ साथ क्या है दोनों का इन्फेक्शन हो, हेपेटाइटिस डी वायरस का और हेपेटाइटिस बी वायरस का, जिसको क्या बोलते हैं अपन, को इन्फेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, सुपर इन्फेक्शन ऑफ द HBsAg कैरियर बाई HBV यानी हेपेटाइटिस डी वायरस ट्रांसफर अगर पेरेंटरल, यानी यह क्या है सुपर इन्फेक्शन हो किसका, HBsAg का इन्फेक्शन हो, यानी क्या है HBV वायरस का इन्फेक्शन हो, और फिर क्या कैरियर हो जाए हेपेटाइटिस डी ट्रांसमिशन हो जाए किसके द्वारा, पेरेंटरल के द्वारा, तो भी क्या हो सकता है हेपेटाइटिस डी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। यानी दोनों ही कंडीशन में क्या है हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो कंपलसरी है हेपेटाइटिस डी वायरस के इन्फेक्शन के लिए। एक बार शुरू से देखिए कि क्या है, कि द ट्रांसमिशन रूट ऑफ हेपेटाइटिस डी वायरस इज द सेम एज फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी जो ट्रांसमिशन रूट है यानी ट्रांसफ्यूज होने का, स्प्रेड होने का जो रूट है वो किसके जैसा होता है, हेपेटाइटिस डी वायरस का भी हेपेटाइटिस बी वायरस के जैसा होता है। नेक्स्ट, पेरेंटेरल बाय ब्लड, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, सीमन या वेजाइनल सिक्रेशन, यूरिन, बाइल एंड फीसेस, सेक्सुअली एंड कंजेनाइटल। और ये कैसे हो सकता है, यानी पेरेंटेरली यानी ब्लड के कॉन्टेक्ट में आने से, सलाइवा के कॉन्टेक्ट में आने से, या ब्रेस्ट मिल्क से, या सीमन से, या वेजाइनल सिक्रेशन से, या यूरिन एंड बाइल एंड फीसेस, या सेक्सुअली कंजेनाइटल भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी स्प्रेड हो सकता है, और कंजेनाइटल यानी मदर से भी किसके अंदर आ सकता है, फीटस के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, क्लिनिकल फीचर, द इंक्यूबेशन पीरियड इज लॉन्ग, अबाउट 1 to 6 months, यानी इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका, तो 1 से 6 महीने होता है। हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन कैन अकर इन प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस अंडर टू सिचुएशन, यानी हेपेटाइटिस डी वायरस का जो इन्फेक्शन है वो क्या है दो कंडीशन के अंदर क्या है हो सकता है, यानी कौन सी कंडीशन के अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस जब प्रेजेंट हो, यानी एक तो क्या है सिम्यूल्टेनियसली यानी साथ साथ इन्फेक्शन हो हेपेटाइटिस बी वायरस का और हेपेटाइटिस बी वायरस का को इन्फेक्शन हो, या फिर सुपर इन्फेक्शन हो किसका HBsAg का, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस का, और उसके बाद क्या कह रही ट्रांसमिशन हो जाए डेल्टा वायरस ट्रांसमिशन हो जाए पेरेंटल रूट के द्वारा, तो भी क्या है इन्फेक्शन हो सकता है किसका हेपेटाइटिस डी वायरस का।
लेबोरेटरी डायग्नोसिस, यानी लैब के अंदर अपन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं हेपेटाइटिस डी वायरस को, तो डायग्नोसिस ऑफ आईजीएम एंटी डेल्टा एंटीबॉडी इन सीरम बाय एलाइजा एंड रिया, यानी क्या है कि सीरम के अंदर अपन क्या है आईजीएम एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं किसके द्वारा, एलाइजा और रिया के द्वारा, पेशेंट के सीरम की। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस डी एंटीजन इज प्राइमरली एक्सप्रेस्ड इन लीवर सेल न्यूक्लियाई वेयर इट कैन बी डिटेक्टेड बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस, पर इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के द्वारा अपन हेपेटाइटिस डेल्टा एंटीजन को क्या है लीवर सेल के अंदर क्या है सबसे पहले एक्सपोज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले डेल्टा वायरस का इन्फेक्शन किसमें होता है, लीवर सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो वहां से अपन क्या इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ हेपेटाइटिस डी वायरस, यानी बताओ क्या है इसकी, नो स्पेसिफिक प्रोफाइलेक्सिस इज अवेलेबल, यानी स्पेसिफिक कोई भी प्रोफाइलेक्सिस अवेलेबल नहीं है। इम्यूनाइजेशन विद द हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन इज इफेक्टिव बिकॉज डेल्टा एंटीजन कैन नॉट इन्फेक्ट पर्सन इम्यून टू हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी क्या इम्यूनाइजेशन क्या है हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन का इम्यूनाइजेशन क्या इसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि क्या ये इफेक्टिव है बिकॉज क्या है डेल्टा एंटीजन कैन नॉट इन्फेक्ट पर्सन इम्यून टू हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी डेल्टा एंटीजन जो है वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता अगर क्या है हेपेटाइटिस बी वायरस प्रेजेंट नहीं हो, तो इसीलिए क्या है हेपेटाइटिस बी वायरस का इम्यूनाइजेशन परफेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन का मतलब है एंटीबॉडीज क्या है इंटर करवाना पहले से, जैसे क्या है बर्थ के बाद में चाइल्ड के अंदर इंजेक्शन लगते हैं तो इसी के लिए लगते हैं, जैसे हेपेटाइटिस के लिए, पोलियो के लिए या फिर स्मॉल पॉक्स के लिए। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर और HBsAg विल आल्सो लिमिट द ब्लड बोर्न हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन, यानी क्या है ब्लड डोनर की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए इसकी HBsAg की, विल आल्सो लिमिट द ब्लड बोर्न हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन, यानी HBsAg की स्क्रीनिंग होनी चाहिए लिमिट टाइम के लिए, क्योंकि ये कैसा है ब्लड बोर्न वायरस है हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन, यानी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन कोज करता है, किसके अंदर पाया जाता है ब्लड के अंदर। शुरू से देखिए कि डिटेक्शन ऑफ IgM एंटीबॉडी डेल्टा एंटीबॉडी इन सीरम बाय एलाइजा और रिया, यानी क्या लेबोरेटरी डायग्नोसिस अपन किस तरीके से करते हैं, तो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी जो स्पेसिफिक किसके लिए हुआ हेपेटाइटिस डी वायरस के लिए, तो एंटीबॉडीज बनती है IgM, यानी जो सबसे पहले फॉर्मेशन होती है उसको क्या है अपन डिटेक्ट कर सकते हैं एलाइजा और रिया मेथड के द्वारा। और हेपेटाइटिस डी एंटीजन जो है वो सबसे पहले किसमें एक्सप्रेस होता है लीवर सेल के न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको अपन इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ हेपेटाइटिस डी वायरस, तो प्रोफाइलेक्सिस क्या है, नो स्पेसिफिक स्पेसिफिक कोई भी प्रोफाइलेक्सिस यानी सावधानी अवेलेबल नहीं है इसके लिए, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस की इम्यूनाइजेशन, यानी उसके लिए जो इंजेक्शन लगते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, वही इफेक्टिव है किसके लिए हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस का इम्यूनाइजेशन ही इफेक्टिव है किसके लिए हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए। या फिर डोनर की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए ब्लड डोनर की कि उसके अंदर क्या है HBsAg एंटीजन प्रेजेंट नहीं हो, क्योंकि ये दोनों क्या है HBsAg वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस वो क्या है ब्लड बोर्न इन्फेक्शन कोज करते हैं। नेक्स्ट देखिए हेपेटाइटिस ई वायरस, तो हेपेटाइटिस का लास्ट वायरस है जो क्या है ई वायरस है,
टाइप ई हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस ई वायरस, यानी ई टाइप की जो हेपेटाइटिस है वो किसके द्वारा कॉज की जाती है, हेपेटाइटिस ई वायरस के द्वारा। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ द एपिडेमिक एंड स्पोरोडाइक हेपेटाइटिस इन एडल्ट, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी एपिडेमिक और स्पोरोडाइक हेपेटाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। और हेपेटाइटिस ई वायरस बिलोंग टू द हेपेवर्डाई फैमिली, यानी हेपेटाइटिस ई वायरस किससे बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो हेपेवर्डाई फैमिली से बिलोंग करता है। हेपेटाइटिस ई वायरस इज ए स्फेरिकल नॉन एनवलप्ड वायरस, यानी ये कैसा स्फेरिकल वायरस है, नॉन एनवलप्ड वायरस है, यानी क्या है इसके अंदर स्फेरिकल, यानी इसकी शेप कैसी होती है, राउंड होती है, और नॉन एनवलप्ड यानी इसके ऊपर कोई भी आवरण, कोई भी एनवलप प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है, साइज कितना है हेपेटाइटिस ई वायरस का, तो 32 टू 34 एनएम इन डायमीटर, यानी क्या है 32 से 34 नैनोमीटर किसमें, डायमीटर के अंदर। नेक्स्ट, जेनेटिक मटेरियल कैसा है इसका, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सराउंडेड बाय एन आइकोसेड्रल कैप्सिड, यानी आरएनए कैसा होता है इसका, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो किसके द्वारा सराउंडेड रहता है, इकोसेड्रल कैप्सिड के द्वारा, यानी सिमेट्री कैसी होती है हेपेटाइटिस सी वायरस के अंदर, इकोसेड्रल होती है। एक बार शुरू से देखिए कि हेपेटाइटिस ई है जो क्या, कौन सी डिजीज कोज करता है, तो हेपेटाइटिस ई वायरस कोज करता है, हेपेटाइटिस ई जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एपिडेमिक यानी महामारी के लिए, और स्पोरोडोइक इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हेपेटाइटिस के एडल्ट के अंदर। और हेपेटाइटिस ई वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो हेपेवर्डाई फैमिली से बिलोंग करता है। हेपेटाइटिस ई वायरस कैसी शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, और नॉन एनवलप्ड वायरस है जिसका साइज कितना होता है 32 टू 34 नैनोमीटर इन डायमीटर। और जेनेटिक मटेरियल कितना होता है, कैसा होता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है जो किसके द्वारा घिरा रहता है, कैप्सिड के द्वारा, और इकोसेड्रल सिमेट्री प्रेजेंट होती है इसके अंदर। देखिए ट्रांसमिशन यानी फैलता कैसे है, तो इंजेक्शन ऑफ फीकली कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, यानी क्या है फीकली कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर के द्वारा स्प्रेड होता है, यानी किसी पर्सन में पहले से हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन है और उसका फीकल जो है उसके ऊपर क्या है मक्खियां बैठ गई और वो क्या है स्प्रेड हो गया इधर उधर उसके फीसेज से, तो वो अगर उससे कंटामिनेटेड फूड अगर फूड या फिर ड्रिंकिंग वाटर अपन लेते हैं तो उससे क्या है इन्फेक्शन अगर हो सकता है। इट अगर predominantly in young to middle aged adults, और ये किसके अंदर होता है predominantly, तो young age के अंदर होता है adults के अंदर। clinical the disease resembles that of hepatitis A virus, और इसकी जो disease होती है यानी जो sign symptom show करता है वो किसके जैसे होते हैं hepatitis A virus की जैसे। clinical features क्या है hepatitis E virus के, तो the incubation period क्या है, range कितनी है उसकी 2 to 9 weeks, average 6 weeks। मोस्ट केसेस अगर इन यंग ऑफ मिडल एज एडल्ट, और मोस्टली कौन सी एज के अंदर इसका इन्फेक्शन होता है, तो 15 to 40 years के अंदर, यानी 15 से 40 साल की उम्र में क्या इसका इन्फेक्शन होता है। द क्लिनिकल सीवियरिटी एंड हाई केस फर्टिलिटी रेट ऑफ 20 to 40% इन प्रेग्नेंट वुमेन, और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर इसकी क्लिनिकल सीवियरिटी होती है यानी फर्टिलिटी होती है कितने परसेंट होती है, 20 से 40% होती है इन्फेक्शन कॉज करने की।
ट्रांसमिशन रूट तो क्या हो गया कि फिकल कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर हो गया, और ये अडल्ट एज के अंदर क्या इन्फेक्शन कॉज करता है, और इसकी जो डिजीज होती है वो बीमारी किसकी जैसी होती है, हेपेटाइटिस ए वायरस की जैसी। और क्लिनिकल फीचर में देखे तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 2 to 9 weeks का, एवरेज कितना है 6 weeks। और ये कौन सी एज में इन्फेक्शन कॉज करता है, तो मिडल एज के अंदर 15 से 40 साल की उम्र में। और ये प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर इन्फेक्शन कॉज करने कितने परसेंट चांसेस है, 20 to 40% क्लिनिकल सीवियरिटी एज की। हाई गैस फर्टिलिटी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा उसमें क्या है, कैल्सी वायरस लाइक के पार्टिकल दिख जाएंगे आपको, कैल्सियम जैसे पार्टिकल दिख जाएंगे। एंटीबॉडी डिटेक्शन बाय एलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग ऐसे, यानी एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे के द्वारा इसका एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस आरएनए बाय पीसीआर, और हेपेटाइटिस ई वायरस का जो आरएनए यानी जेनेटिक मटेरियल है उसको पर पीसीआर के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पीसीआर के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फीचर्स एग्जामिनेशन किसके द्वारा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा, फीचर्स के अंदर अलग ही दिख जाएगा हेपेटाइटिस ई वायरस। एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं एलाइजा के द्वारा, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग ऐसे के द्वारा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग ऐसे के अंदर अपन क्या है, किसी भी वायरस की, किसी भी मतलब बैक्टीरिया वायरस जो भी अपने को डिटेक्ट करना है उसके स्पेसिफिक प्रोटीन की क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस आरएनए बाय पीसीआर, और हेपेटाइटिस ई वायरस का आरएनए डिटेक्ट कर सकते हैं अपन किसके द्वारा, पीसीआर के द्वारा, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथड के द्वारा, जो कि एक स्पेसिफिक मेथड है। तो यहां तक क्या है आपका, हेपेटाइटिस जो वायरस है वो क्या है, कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वायरस कौन सा है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, जो कहता है डीएनए वायरस है, पर मोस्टली क्वेश्चन किसके अंदर से आते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस से, उसके बाद में हेपेटाइटिस ए वायरस, और उसके बाद में क्या है, हेपेटाइटिस डी वायरस। ये तीन वायरस क्या है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, जिसकी लैब डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर या फिर क्या है, कंप्लीट भी डिस्कस कर सकता है एग्जाम के अंदर। और नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, रेट्रोवायरस के ऊपर, यानी एचआईवी के ऊपर, जो अपन क्या है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।